फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का और नेक्स्ट पर। सो बेसिकली हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें दो लाइक इस तरह से हमें दे रखा हो, दोनों के ऊपर अंडर रूट हो और दोनों में वैल्यूज लाइक सेम हो, एक्स स्क्वायर वाली और एक्स की कॉन्स्टेंट दोनों में सेम हो, जैसे 5x² + 2x, 5x² + 2x, ठीक है। दोनों सिर्फ जो है सी की वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट वाले की वैल्यू अलग हो, ठीक है, बाकी जो x के कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यू सेम हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस एक को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। लेट इट बी, मैंने इसको a मान लिया, ठीक है। तो a मेरे लिए ये है, b मेरे लिए ये ले लिया। लेट दिस a एंड दिस b। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली क्या करूंगी, a का स्क्वायर 5x² + 2x - 9, इसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, 5x² + 2x + 9 -5x² - 2x - 1, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सभी माइनस के हो जाएंगे। 5x² से 5x² कैंसिल, 2x से 2x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, दोनों कैंसिल। 9 - 1 आ गया 8। तो अब हमारे पास क्या है, a² - b² क्या आ गया 8, और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो a² - b² 8 दे रखा है, तो आपको पता है a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी 2 है तो बचा a माइनस बी, सो a माइनस बी कितना आ जाएगा 8/2, सो a माइनस बी आ गया। अब हमारे पास a प्लस बी है 2, a माइनस बी है 4, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 6 आ गया, सो a इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a 3 है, b पता नहीं, सो b इज इक्वल टू 2 - 3, सो b इज इक्वल टू -1। तो अब हमें क्या पता चला, अब हमको बेसिकली दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, अब हमको दो वैल्यूज मिल गई। क्या मिल गई, a हमें मिल गया 3 और b हमें मिल गया -1, ठीक है। अब a क्या था ये, b क्या था ये, वैल्यूज क्यों के हम पुट कर दो, ठीक है। तो a हमारे पास क्या था, ये था 5x² + 2x + 9 3 इक्वल, b क्या था वो था, सो 5x² + 2x + 1 इक्वल टू -1, ठीक है। आप किसी भी एक को पुट कर सकते हो क्योंकि x की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। मैं दोनों पुट करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, वैल्यूज क्या है, सेम आएंगी। तो अब ये इधर क्या है, अंडर रूट, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली अंडर रूट है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। सो अब मैंने किया 5x² + 2x + 9, अंडर रूट है उधर जाके स्क्वायर बन गया b का स्क्वायर, सो ये आ गया 5x² + 2x + 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो 5x² + 2x + 9 - 9, तो 9 - 9 कैंसिल, क्या बचा 5x² + 2x, इसको सॉल्व करो, 5x² + 2x + 1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस जब होता है, देखो -1 - -1 करिए तो -1 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस का 1। अब 5x² + 2x + 1 - 1 इज इक्वल टू 0 कैंसिल, क्या बचा 5x² + 2x इक्वल टू 0, तो सेम आई ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके x की वैल्यू सेम आएंगी, चाहे आप a की वैल्यू पुट करो या b की, आप कोई एक पुट कर सकते हो, दोनों पुट करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास 5x² + 2x = 0 आ गया,
तो जब भी हमें कुछ ऐसा वेरिएबल इस टाइप का आता है कि दोनों हमारे पास वेरिएबल्स के साथ कुछ कॉन्स्टेंट होता है, एक स्क्वायर में होता है एक नॉर्मल होता है, तो एक तो हमारी x की सीधी साधी वैल्यू आती है ज़ीरो, ठीक है, तो एक तो x की हमारी सीधी सी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो आती है। दूसरी हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो 5x² + 2x है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो 5x बच गया प्लस 2 बच गया इक्वल टू ज़ीरो। अब ये x उधर जाके डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 5x = -2। अब x = -2/5, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 0 and -5/2। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम एक और टाइप भी अभी कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक और टाइप इसमें इसी वीडियो के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, x - 5 x - 7 x + 6 x + 4 = 504। तो ये हमें दे रखा है, तो हमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, तो जब आपको सभी वैल्यूज इस टाइप की दिख जाएंगी ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक x एक वेरिएबल है, दूसरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो आपको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अगर आप जो कॉन्स्टेंट को सम करें और अगर आपके आंसर सेम आए, उन दोनों टाइप को, उन दोनों को आपको एक साथ लेके जाना है, जैसे कि -5 - 7 कितना होगा -12, 6 और 4 कितना होगा 10, सेम आया नहीं आया, तो ये दोनों ये एक साथ और ये एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन -5 + 6 करें तो कितना आएगा -2, और -7 + 4 करें तो -3, सेम नहीं आया नहीं ले सकते, ठीक है, तो -5 + 4 क्या आएगा -1, और -7 + 6 क्या आएगा -2, वैल्यू सेम, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, इसको और इसको, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, x - 5 और x + 4 एक साथ ले लिया, ठीक है, सिमिलरली x - 7 x + 6 एक साथ ले लिया, ठीक है, सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी इजी है, x को एक बार x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली यहाँ करेंगे x को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई, -7 को x + 6 से मल्टीप्लाई, 504 मल्टीप्लाई करो, सो x² + 4x - 5x - 20 यहाँ पर क्या बचेगा, x² + 6x - 7x - 42, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, पहले मेम्बर को एक सेप हो, x² - x, ठीक है, +4x - 5x, माइनस का 1x आएगा, 1 लगाना जरूरी है, तो x² - x - 20 आ गया, x² - x - 42 आ, ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा कि हमने ये अलग क्यों किए थे, मतलब एक मल्टीप्लाई वाले क्यों, ताकि हमें लास्ट में ये इस तरह वैल्यूज मिले। देखो जैसे हमने -1 आया था, तो हमारे यहाँ --x आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली पुट कर देंगे x² - x को y, ठीक है, सो मैंने पुट कर दिया, तो ये मेरा बच जाएगा y - 20, तो ये मेरा y - 42, 504 मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिमिलरली y को y - 42 से, -20 को y - 42 से, ये आ गया 504, ये आ गया y² - 42y - 20y, और प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 42 × 2 = 84 = 840 = 504, सो y² - 42 और -20 - 62y
प्लस 840 माइनस 504 इक्वल टू जीरो। ये भी इसको एक बार यहाँ से इरेज कर दें क्या, ताकि हमें सॉल्व करना है। माइनस 62y और ये हो जाएगा प्लस का 336, ठीक है। सो या 336। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बी वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2 ए। सो वाई इज इक्वल टू माइनस बी, सो 60 माइनस का 62 बी की वैल्यू है, माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 62 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर माइनस 4a, a यानी कि 1 और c यानी कि 336 बाई में 2a, 1 a की वैल्यू क्या 1, तो ये हो जाएगा 2। सो y इज इक्वल टू 62 प्लस माइनस, अब 62 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 37। सो 4 4 8 3 3 8 4 4 माइनस 3 3 6 इंटू 4 4 2 4 3 जा 12 और 2 14, 1 4 3 जा 13, 1 3 4 4 आ जाएगा, बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, माइनस कर देंगे 62 प्लस माइनस 3 8 4 4 माइनस 1 3 4 4 0 0 5, ये हो जाएगा 2500 बाय 2। सो y इज इक्वल टू 2500 अंडर रूट 2, तो ये क्या है 50 का होता है, 50 का स्क्वायर होता है। तो देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, सो इसको हम 50 लिख देंगे। तो 62 प्लस माइनस 50 बाय 2, तो y की टू वैल्यूज आ गई, एक तो 62 प्लस 50 बाय 2 और दूसरी 62 माइनस 50 बाय 2। सो y इज इक्वल टू सॉल्व करो, तो 2 6 1 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, y की वैल्यू एक तो आ गई 56 दूसरी y इज इक्वल टू 12 बाई 2 y इज इक्वल टू 6। सो y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 56 एंड 6। अब हमने y को क्या पुट किया था, x square माइनस x पुट किया था, ठीक है। तो अब हम वापस से क्या करेंगे, y को एक बार 56 के इक्वल रखेंगे एक बार 6 के, और फिर वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं एक बार, मैं ये रेस करना पड़ेगा मुझे। वाई हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक बार रख देंगे 56 क्यूब इक्वल, और दूसरी बार रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 6 के। तो ये मैंने बता रखा है, जब भी आपको एक वेरिएबल और उस तरह दिया हो तो एक बार तो एक्स की वैल्यू जीरो आनी है, तो एक बार तो एक्स जीरो आ ही जाएगा। अब दूसरी बार ये सॉल्व करते हैं, एक्स ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 56, ठीक है। और एक्स सॉरी ये हमारा उस तरह से मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 56 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको और वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको नॉर्मली फैक्टर के थ्रू अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास दो फैक्टर आएंगे, 8 और 7, 8 7 की मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आएगा, 8 में से 7 माइनस करूँ तो 1 आएगा, ठीक है। सो दो फैक्टर बने, एक्स स्क्वायर मैंने लिया माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। मैंने माइनस 8 क्यों लिया और प्लस का 7 क्यों लिया, जस्ट बिकॉज अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ, माइनस 8 प्लस 7 तो माइनस का 1 आएगा, अगर मैंने प्लस 7 और माइनस का 7 और प्लस का 8 लिया था तो प्लस का 1 आता, तो यहाँ पे प्लस x होता तब मैं 7 के साथ माइनस और 8 के साथ प्लस लेता, ठीक है। तो इसलिए हमने ये माइनस 8 और 7 इसलिए लिया था क्योंकि मेरा माइनस का x चाहिए था। सो कॉमन लिया x माइनस 8 प्लस 7 एक्स माइनस, तो एक तो बचा एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 8, एक तो एक्स की वैल्यू माइनस 7 और एक एक्स की वैल्यू 8। यहाँ पर भी ऐसे ही क्या फैक्टर बनाए, 3 और 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 बचा प्लस 2 एक्स समथिंग गलत है, एक्स लिया एक्स माइनस 6 बचा,
माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, ये या दिस इज माइनस, सो यहाँ पे प्लस टू लिया तो एक्स माइनस थ्री बचेगा जीरो, सो एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का टू और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का थ्री, तो हमारे पास फोर वैल्यूज आ चुकी हैं एक्स की और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो बता सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।